तो आज है डे 3 और गांव के अंदर फंक्शन ख़त्म हो चुका है। मन तो नहीं कर रहा दिल्ली वापस जाने का, लेकिन जाना पड़ेगा भाई, ऑफिस वगैरह भी है, काम वगैरह भी है। तो अभी थोड़ी देर में निकलेंगे, थोड़ी देर में क्या शाम तक ही निकलेंगे, और जब निकलते हैं तो उसके बाद में कुछ होता दिखाने को तो हम आपको दिखाएंगे। अभी तो फिलहाल गाड़ी वाड़ी साफ़ करके हम लोग अभी गाड़ियों को पार्किंग में लगा रहे हैं ताकि निकलने में आसानी हो। तो भाई कल के बच्चे कुछ गोलगप्पे यहाँ पे सब लोग लेके बैठे हुए लपेट रहे हैं। ये गाइस मैं हूं सबसे बड़ा लुटेरा, आई एम लुटेरा। सब लोग मुंह रखे अपने अपने। तू आ गई, डालो देख लो भाई, देख लो, खाओ खाओ खाओ, खाना नहीं है सबका, खाना है। और ये है गोलगप्पों का हाल, और यहाँ पर लगे पड़े हैं ये शिव गोलगप्पे वाले, शिव शंकर गोलगप्पे वाले। सब लोग देखो कैसे लगे पड़े हैं भाई, वो देखो तो वो तो गर्दन उठा ही नहीं रही है, वो तो सीधा गोलगप्पा अंदर वो के अंदर देखिए, ये देखा अपनी प्लेट भर के बैठी है। अरे मन्नू ना, मन्नू गर्दन उठा रहा है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको उस भूतिया हवेली की तरफ लेके चलता हूँ जिसकी कहानी और किस्से अभी मैं आपको पिछले ब्लॉगों में सुना रहा था। तो अभी हम सब लोग बड़ी हिम्मत करके और गांव के सारे बच्चों को इकट्ठा करके अब उस हवेली की तरफ जा रहे हैं। तो अब आगे का ब्लॉग हॉरर होने वाला है, तो अपना दिल थाम के बैठिए। तो फाइनली पूरी टीम को लेके यहाँ पे हम लोग आ तो चुके हैं। अब जरा ऊपर जाया जाए, क्योंकि सुबह तो हमारी हिम्मत होनी थी ऊपर जाने की, तो हम लोग सब चले। अभी चलते ऊपर, तो ऐसा कुछ माहौल है ऊपर का। इस हेली को बंद हुए सालों बीत चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं पता। ऐसा कुछ व्यू है भाई ऊपर का, होते और ऊपर गए। ये देखिए गेटों की हालत, सारी दीवारें ऑलमोस्ट काली पड़ चुकी हैं। इनको देख के कहा जा सकता है कि हवेली काफी सालों से बंद थी। वो इस वाले गेट पर जाओ, यही तो है कमरा, यही है यही है। ये देखिए ऊपर से पूरा व्यू, बड़ी मुश्किल से गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करके हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो वो साले टावर, साले टावर टिकट इधर आओ, इधर वो, इसके ऊपर मत जाना। ये देखिए ये गुप्त रास्ता जा रहा है, कहाँ निकलता है किसी को नहीं पता, और ये लोग और ऊपर जा रहे हैं। भाई मैं आपको वो वाला कर सकते हैं, हमें शिवया की बात मानी। क्या बोल रहे? अभी मैं आपको वो वाला दरवाजा भी दिखाऊंगा जहाँ पे चार बच्चे गए थे और आज तक वापस नहीं आए। पट्टियाँ भी निकल सकती है। मैं देखा किसी ने घर बाद में देख लिया। बात सुनो, अगर पूरे साल पहले से अभिमंत्री गए तो यहाँ पे टाइल लगाने कौन आया, कौन सा था वो नीचे देखे लोग। ये देख मामा क्या है, ये देखिए हवेली यहाँ मेरे साथ सबसे ऊंची है। यहाँ से पूरा मेरे ननिहाल का व्यू देख सकते हो आप। वो नहीं यहाँ से देखो आप पूरा का पूरा न्यूज देख सकते हो। डर लगता था घर से देखने से भी। कोई आया अभी मैं आपको वाली वो वाला रूम और दिखाता हूँ। जो आप सामने रूम देख रहे हैं ना, यही वो रूम है जिसके अंदर वो चार बच्चे गए थे और आज तक वापस नहीं आए। उसके बाद से इसको गेट को पूजा पाठ करवा के बंद करवा दिया गया।
और आज तक खुला नहीं है, तो यहाँ पे भी चलेंगे अभी आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल तो आप ऊपर से व्यू देखिए पूरे गांव का। इसे कहते हैं प्योर राजस्थान। तो अभी मैं वीडियो कट कर रहा हूँ, नीचे जाके दिखाऊंगा आपको नीचे का क्या हाल है, नीचे वाले मंजिल का जो एक्चुअल सबसे हॉरर प्लेस है। नीचे की तरफ जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको चूड़िया दिखाता हूँ। अभी चूड़िया दिखी हम लोगों को, तो अभी मैं आपको चूड़िया दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे को चूड़िया दिखी हैं, और पहले जो गैस स्टोव होता था वो पड़ा हुआ है ये देखिए, और यहाँ पर चूड़िया पड़ी हैं, और पता नहीं किसकी है, दारू का। पर इन सबको देख के बहुत डर लग रहा है। और ये देखिए पता नहीं किसी ने सजावट का सामान भी भरा हुआ है, चलता है। और अब मैं आपको मेन ये देखिए, ये देखिए टी पॉट। और सबसे बढ़िया देखो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखो पहले के टाइम के जो स्विच होते थे वो कुछ इस तरीके के होते थे, आज के टाइम पे तो हमारे पास खटके वाले हैं। और ये देखिए ये वही कमरा है, एक रास्ता ये जाता है, एक वन मैं दिखाता हूँ जो कि पहले देखिए इस तरीके के स्विच होते थे, इस तरीके के जिनका इस तरीके से यूज़ किया जाता था। और बाकी ये कमरे वगैरह लॉक किए हुए हैं सारा का सारा। और अभी हम लोग आपको उस रूम को, ओए हाथ मत लगा, छू मत उसको, पूतनी आ गई मेरे में, रोटी देखो, रोटी देखो, रोटी पड़ी हुई है जिसमें। हम लोगों को समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे कोई नहीं आता, फिर भी यहाँ पे देखो रोटियाँ पड़ी हुई हैं भैया, मुझे कुछ मिला मेरे का। और ये सीटियाँ टाइप पड़ी हैं कुछ। और यही वो दरवाजा, हाथ मत लगा, जिसे बंद कर रहा है पूजा पाठ करके, इसी के अंदर वो चार बच्चे गए थे, मतलब कहाँ नहीं आज तक किसी ने देखा नहीं, लेकिन सच्चाई ये आवाज नीचे देखो आपने, यही वो रूम है जिसके अंदर चार बच्चे गए थे, आज तक वापस नहीं आए, और इसको फिर पूजा पाठ करा के बंद करा दिया गया। और ये देखिए अजीब भी तरीके का कैक्टस भी मिला हम लोगों को यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़े अचंभे की बात देखेंगे आप, मतलब इस हवेली के अंदर रात को किसी के आने की हिम्मत नहीं होती, और दिन में शायद ये कर्म कोई करेगा नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए दारूओं की बोतलें पड़ी हुई हैं, लोग जिए वगैरह यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए किस तरीके की हालत हो रखी है इस कमरे की, जिसे बंद कराया चल रहा है, किसी ने इसे तोड़ने की कोशिश करी है। अभी फिलहाल हम लोग ज़्यादातर यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं, हम लोग निकल रहे हैं फटाफट, आपको व्यू दिखाना था इसका पूरे हवेली का, इधर गांव के बंदे इकट्ठे करे हम लोग यहाँ पे दिखाने के लिए ले आए। चलिए अब यहाँ से फटाफट निकलते हैं, क्योंकि भाई रिस्क लेना बेकार है उस टाइम पर, यहाँ से निकला सारे बच्चे आगे रहो भाई, सारे आगे रहो, तू बेटी का बाप आगे, मंटरी को लगा पूते, हाँ तो आगे चल फिर, पूतनी तो मेरी बाण है, अमावस्या की काली रात में मेरे लाल की बाण थी। ये देखिए चाय पॉट, फर्स्ट टाइम यूज करते होंगे वो लोग, कोई किसी का कुंडल पड़ा हुआ है। गेट की हालत देखिए आप, लाइट के बोर्ड भी दिखाई देते हैं, फांसी के बंदे भी हैं, नगर मंदिर से इधर से उधर कॉन्टेक्ट करने का खिड़की टाइप का है। देखिए आप ये देखिए रास्ते, पता नहीं किस चीज की खिड़की है, कहाँ जाती है किसी को नहीं पता, वो देखो फांसी के फंदे दिखाया एक कमरे में। देखिए रूम का गेट टूटा हुआ है जो आप देख सकते हो, टूटा पड़ा हुआ है, तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ रस्सियाँ टंगी है, ऐसा लग रहा है काफी वासी के सुन लगा, तो ये देखिए कितना कमजोर हो चुकी है लकड़ी, कितना रखते ही टूट रही है। बकरी
उनके जीवन लगी थी सारे मटके भरे हुए इसके अंदर लाने की जरूरत ही नहीं है जो टाइम ऐसा कुछ करारे पड़ चुकी है पूरी रूम के अंदर छत गिर सकती है कभी भी ऐसा सीन लग रहा है आप देख सकते हैं कि दरवाजों को देख के आप पता लगा सकते हैं कितना पुराना हो सकता है ये जो हवेली है पुराने जमाने की खिड़कियाँ सब बंद पड़ा हुआ सब मतलब कोई कह सकता है कि आज ये जो जगह वीरान पड़ी है यहाँ पे पहले जिंदगियाँ चलती थी लोग रहते थे खाना बनाते थे इतने सारे रूम्स हैं यहाँ पे कितनी बड़ी फैमिली हुआ करती होगी सब पता नहीं कहाँ गई राजपूता हवेली यहाँ की कहानी किसी को पता है क्या क्या कैसे भूत बने जय तेरे को पता है कहानी आगे बता यहाँ पे वो भाई साहब ऐसा लगता है कि किसी ने कबूतरों को मार के उनका कर रखा है कबूतर के पंख हैं बहुत सारे यहाँ पे कपड़े भी हैं किसी को छेड़ना ना ना हाथ मत लगाना किसी चीज़ है मैं सारा लकड़ी है तो फटाफट से यहाँ से निकलने में भलाई है भाई शाम होने वाली है रिस्क लेना बेकार है इसे कपड़े ही पड़े हुए हैं इन खिड़कियों को देखिए आप कोई देख के कह सकता है ऊपर दिए भी पड़े जिसमें तू पागल तो नहीं है देखिए हालत देखिए आप अब यहाँ से निकलने में भाई बेटा चल लो फटाफट यहाँ से फटाफट निकलते भाई